नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज ऐतिहासिक दिन, उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ बेहद खास दिन, और इसी को लेकर के आज तैयारी भी है। कान्हा स्टेडियम पर आज सभी की नजरें हैं, और यूपी के आज मुख्यमंत्री के तौर पर जो योगी आदित्यनाथ का चेहरा एक बार फिर से शपथ लेने जा रहे हैं, न सिर्फ वो अकेले शपथ लेंगे बल्कि उनके साथ कुछ और भी चेहरे हैं जो कि शपथ लेने जा रहे हैं। तो शपथ ग्रहण समारोह है, बेहद खास है। और ये माना जा रहा है कि हर बार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कोई ना कोई चौंकाने वाला बड़ा फैसला लेता है, तो जो हम अनुमान लगा करके चल रहे हैं उससे हो सकता है कुछ नाम अलग भी चल रहे हों। हालांकि डिप्टी सीएम पद की रेस को लेकर के कई नाम संभावित हैं, कई नामों को लेकर के बड़ी तेजी के साथ चर्चाएं चल रही हैं। कैबिनेट में भी बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर के बहुत जोरों शोरों के साथ हंगामा हो रहा है, बड़ी शोर हो रहा है। लेकिन इस सब के बीच में कुछ नामों को लेकर के बड़ी सहमति बनती हुई नजर आ रही है। कई ऐसे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो कि ये कह रहे हैं कि कुछ एक नाम है, जैसे कि प्रशासनिक सेवाओं से जो कुछ नेता जो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, चुनावी मैदान में उतरते हैं, जीत भी हासिल होती है, और अब कैबिनेट में अपनी जगह बनाने की तयारी भी कर रहे हैं। और इसी से जुड़ी एक बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, यूपी के मंत्रिमंडल से को लेकर के बड़ी जानकारी है, और केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बनेंगे, सूत्रों के हवाले से जानकारी। और ये संकेत मिल रहे हैं दिनेश शर्मा को जगह नहीं मिल सकती है, हालांकि इससे पहले तक दिनेश शर्मा का नाम चल रहा था, लेकिन अब फिलहाल आखिर मोमेंट पर आकर के ये साफ हो रहा है कि दिनेश शर्मा का नाम फिलहाल डिप्टी सीएम की रेस में नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बनेंगे, दिनेश शर्मा को नहीं बनाया जा रहा है डिप्टी सीएम। ब्रजेश पाठक का नाम डिप्टी सीएम की रेस में चल रहा है, और कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनका नाम इस वक्त इस रेस में है, अमित शाह की क्योंकि पसंद माने जाते हैं ब्रजेश पाठक, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री पद जो है वो दिया जा सकता है, एक बड़ी जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक को दी जा सकती है। केशव प्रसाद मौर्य बेशक चुनाव हार गए, लेकिन उनके नाम को लेकर के डिप्टी सीएम पद की रेस में उनको प्रबल दावेदार के तौर पर माना जा रहा है। दिनेश शर्मा जो कि इससे पहले तक भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तालमेल कोऑर्डिनेशन को लेकर के तस्वीरें हालांकि देखने को मिली थी, लेकिन इस बार योगी 2.0 के अंदर, क्योंकि सर्वे सर्वा योगी आदित्यनाथ, और इसीलिए माना जाने की कौन कौन से वो चेहरे होंगे उस पर अंतिम मोहर योगी जरूर लगाएंगे। योगी आदित्यनाथ की मंजूरी होना इस कैबिनेट पर बड़ा जरूरी है, लेकिन एक नाम और सामने आ रहा है ब्रजेश पाठक का, जिसमें डिप्टी सीएम की पद की रेस में उनका नाम भी चल रहा है। अमित शाह की पसंद भी बताए जाते हैं ब्रजेश पाठक, और इसलिए माना जा रहा है कि उनका नाम भी इस वक्त चर्चाओं में चल रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से एक और जानकारी यह भी मिल रही है कि जिन नामों को लेकर के सिर्फ चर्चाएं अभी तक चल रही हैं, वो बीती रात को ही राज्यपाल को सौंप दिए गए थी वो लिस्ट, जिसमें अलग अलग कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनको लेकर के लगातार मंथन किया जा रहा है, वो नाम पहले से पहुंच चुके हैं। लेकिन आज सुबह की एक ताजा बड़ी जानकारी ये भी सामने आती है कि मुख्यमंत्री आवास पर, यानी कि 5 कालिदास मार्ग पर भी कुछ ऐसे चेहरे जो कि आज शपथ लेने जा रहे हैं, वो जो है वो इस दौरान चाय पीने के लिए आएंगे। और चलिए, इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, सुनील कौशिक जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, सुनील जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, और राजीव रंजन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राजीव जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप शुरुआत में सुनील जी आपसे ही करना चाह रहा हूं, आज की जो तस्वीर है, आज जिस ऐतिहासिक दिन को लेकर के लगातार इंतजार भी किया जा रहा था, लगातार जब से चुनाव जीती है भारतीय जनता पार्टी, इस बात को लेकर के पशुपेश में थे कि आखिर शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, कौन कौन से चेहरे होंगे कैबिनेट के, क्योंकि मुख्यमंत्री का तो चेहरा साफ था, लेकिन इतना समय जो लगा, आखिर क्या कारण उसके पीछे आपको नजर आते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल निश्चित है कि इतनी बड़ी जीत के बाद और स्पष्ट सब कुछ होने के बावजूद भी शपथ ग्रहण समारोह सबसे बाद में हो रहा है। लक्ष्मणपुरी है जहां यह शपथ होने जा रहा है, लक्ष्मणपुरी भगवान राम के अनुज लक्ष्मण की नगरी है, और उस पावन नगरी में शपथ होने जा रहा है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है, जो भव्य निर्माण होने जा रहा है, काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य निर्माण हुआ जिसको आपने पूरी दुनिया को दिखाया। मुझे लगता है यह महोत्सव एक विशाल उत्सव का रूप ले रखा है, उस कारण आज देश और भारत के सभी धर्माचार्य, देश के सभी साधु संत, मेरे साथ चिदानंद मुनि जी महाराज, आचार्य बालकानंद जी महाराज, आचार्य बालकृष्ण जी, अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, सभी लोग
इस प्रकार से देश ही नहीं अभी तो दुनिया में रह रहे धर्माचार्य इस कार्यक्रम में भाग लेने आ रहे हैं। महत्वपूर्ण है साधु संतों के लिए योगी जी का मुख्यमंत्री बनना? साधु संतों के लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे परिवार से आते हैं, हमारे समाज से आते हैं और हमारे हैं वो, और देश और परंपराओं को उन्होंने आगे बढ़ाया है, भगवा को आगे बढ़ाया है। तो निस्संदेह जो देश की और समाज की आस्था थी वो आज निकल करके उनके प्रति आई है। आज देख रहे हैं आप, देश और दुनिया से साधु संत यहाँ चले आ रहे हैं, उनके बुलावे पे सब लोग यहाँ आ रहे हैं और उस कार्यक्रम की भागीदारी में कहीं कहीं अपनी हस्ताक्षर करने आए हैं, अपनी सहभागिता देने आए हैं वो, और देश के सभी धर्माचार्य योगी जी को बधाई और साधुवाद देने आए हैं। तो साधु संत समाज में बड़ा उत्साह और बड़ा जोश नजर आ रहा है। सुनील जी बात पूरी कीजिए, और यहाँ आपने सुना भी और देखा भी, साधु संत समाज जो है बड़ा खुश है, प्रसन्न है। नहीं नहीं बिल्कुल, और खुश होने की बात भी है कि उनके परिवार से यदि कोई दोबारा मुख्यमंत्री बनता है, और जिस तरीके से कह रहे हैं कि भगवा को बढ़ाने का काम योगी जी ने किया है, तो निश्चित तौर से जो उनके चेहरे पर सुकून दिख रहा है, बॉडी लैंग्वेज उनकी बता रही है कि हाँ स्पष्ट रूप से साधु संतों में उत्साह है और ये गर्व की बात है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कह रहा था मैं कि शपथ ग्रहण समारोह या 2 हफ्ते बाद होता है तो निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कहीं ऐसे नाम थे, कहीं ऐसा पेच फंसा हुआ था जिन पर सहमति नहीं बन पा रही थी, क्योंकि दिल्ली बार बार बुलाना, अमित शाह जी का 2 बार लखनऊ दौरा टलना, बीएल संतोष साहब का योगी जी की बात होने के बावजूद लखनऊ रवानगी, ये सारी कुछ चीज़ें बताती हैं कहीं ना कहीं ऐसे नाम थे जिन पर सहमति नहीं थी। और मैं यदि अपने समीक्षा में मानूं तो जो धामी साहब का नाम या दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में आया तो उसका कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से भी संबंध है। हाँ। क्योंकि जहां मौर्या साहब के नाम पर जो सहमति नहीं बन पा रही थी, हाँ। ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि हारने के बावजूद भी यदि हमने वहां मुख्यमंत्री बनाया है तो उनको भी हम उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं। कई नाम ऐसे हैं, अरविंद कुमार शर्मा है, यानी कि उत्तराखंड का सीधे सीधे यूपी से कनेक्शन निकल कर बिल्कुल मेरा हाँ, मानना है हाँ, क्योंकि फिर बाएं उत्तराखंड होते हुए या दोबारा वो दिल्ली पहुंचे हैं तो कह सकते हैं। और बीएल संतोष साहब यद उत्तराखंड सुबह 8 बजे ही पहुंच गए थे तो कहीं ना कहीं वो रणनीति थी, क्योंकि दूसरी बार जब मुख्यमंत्री और बीएल संतोष साहब की जब मीटिंग हुई तो ये निश्चित तौर से कहा गया था कि आप लखनऊ पहुंचिए और हम सब बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। तो बीच का रास्ता निकालने का प्रयास का मतलब था हाँ। कहीं ना कहीं कोई पेच फंस रहा है हाँ। दूसरी बात मुख्यमंत्री चाहते हैं, इसी फंसे हुए पेच को लेकर के मैं आगे आपसे जानूंगा सर। मैं राजीव रंजन जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। आज ऐतिहासिक दिन है रंजन साहब, और इस ऐतिहासिक दिन को खास बनाने के लिए, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि मुख्यमंत्री खुद इकाना स्टेडियम पहुंचने वाले हैं और ये देखने के लिए कि वहां पर तैयारियां सभी मुकम्मल हो चुकी हैं कि नहीं हुई हैं, ये बड़ा जरूरी है उनके लिए क्योंकि आज सभी की नजरें इकाना स्टेडियम पर है, उत्तर प्रदेश पर है, योगी आदित्यनाथ पर है। जी देखिए, योगी आदित्यनाथ की यही सबसे बड़ी यूएसपी रही है कि चाहे जो कार्यक्रम वो सरकार के तत्वाधान में होता है तो उसकी कंट्रोलिंग कैसे होगी, मॉनिटरिंग कैसे होगी, इसको लेकर बहुत वो अवेयर रहते हैं और बहुत इसको ध्यान से करते हैं। आपको याद होगा जब चुनाव अभियान चल रहा था, उतना बड़ा चुनाव था, उसके बीच बीच में योगी जी लखनऊ आते थे और उसमें कोरोना की अपडेट लेते थे बैठक। तो ये योगी आदित्यनाथ की एक खूबी है, हर काम को बहुत अच्छे से करते हैं और उनके लिए ये बड़े गर्व की बात है कि 5 साल बाद ये सरकार रिपीट हुई है, भारी बहुमत की सरकार है, निश्चित तौर पर उसकी तैयारियां भी उसी तरह से होंगी। ठीक है, इसकी तैयारियां यानी कि दूसरी तरीके से होंगी। कुछ चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, क्योंकि अभी शपथ ग्रहण समारोह होना है, उसमें कौन कौन से मुख्यमंत्री के साथ चेहरे ऐसे हैं जो कि आज शपथ ले सकते हैं, इसको लेकर के भी कुछ नजर आ रहा है आपको? आपका आभास क्या कहता है? आपका जो एक्सपीरियंस है, एक लंबे समय का अनुभव भी है, आपने देखा है ग्राउंड पर आप, लेकिन हमेशा से ये भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी लास्ट मोमेंट पर आकर के चौंका देती है, चौंकाने वाले चेहरे और नाम सामने आ जाते हैं। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यह खूबी रही है, कोई भी काम करती है तो गोपनीयता के बिल्कुल अंतिम स्तर तक जाके करती है। तो मंत्रिमंडल मतलब एक्चुअली क्या होगा इसका अंदाजा तो किसी को बहुत नहीं होगा, लेकिन यह है कि एक अनुमान हम लोग लगा सकते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ होने के नाते। हमको ऐसा लगता है कि ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा, ये मेरा अनुमान इसके अलावा जो भी मंत्रिमंडल बनेगा उसमें बेबी रानी मौर्या की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, वो डिप्टी सीएम
भी हो सकती है, इसलिए कि वो गवर्नर थी, गवर्नर से रिजाइन करा के उनको लाया गया। और ये जो चुनाव अभी बीता है इसमें जाटो मतदाताओं ने, ठीक है रंजन साहब, जरा मैं वापस लौटता हूँ पुष्कर सिंह धामी जो कि हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, कुछ कह रहे हैं जरा दिखाते हैं। चलिए वो जरा वापस से लौटता हूं मैं रंजन साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा सतीश जी आपको जोड़ रहा हूं। रंजन साहब का भी इशारा वहीं पर है जहां तक आप पहुंच रहे थे, आप कह रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य जिसको लेकर के इतना आना जाना हुआ, दिल्ली में बैठकें होती हैं, वापस बुलाया जाता है, लखनऊ में हलचल होने लगती है, क्या रिप्लेसमेंट के तौर पर बेबी रानी मौर्य वो चेहरा वो नाम पहले से ही सोच करके रखा गया था? राज्यपाल की पोस्ट को छोड़ करके उनको चुनावी मैदान में उतारा जाता है, तो यानी कि पहले से स्ट्रेटजी थी? नहीं, बिल्कुल, एक दलित चेहरा बड़े रूप में पेश करना मायावती जी के बाद, ये बीजेपी की रणनीति थी कि राज्यपाल जैसे पद से इस्तीफा दिलवा करके, मुझे लगता है देश का ये पहला मामला है कि कोई राज्यपाल चुनाव लड़ रहा है, तो निश्चित तौर से कह सकते हैं उनकी बड़ी भूमिका तय की गई थी। और ये भी तय था कि कहीं बहुमत नहीं मिल पाता है किसी तरीके से और बहुजन समाज पार्टी अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन चाहिए, तो एक दलित चेहरे के रूप में वो समर्थन ले सकते हैं। ये भी एक आरएसएस की और बीजेपी की रणनीति थी। लेकिन और मैं कहूं, जो आपकी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इससे मैं थोड़ा सा सहमत हो रहा हूं कि उन्होंने कहा कि अमित शाह के बहुत खास हैं ब्रजेश पाठक। ये बिल्कुल सच बात है और तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं कि ब्रजेश पाठक की सीट को बदलना का मतलब था कि राष्ट्रीय नेतृत्व हर हाल में चाहता था कि ब्रजेश पाठक जीते। दूसरा, आपने देखा होगा कोरोना काल के समय में ब्रजेश पाठक ही एक ऐसे मंत्री थे जो सरकार के खिलाफ अधिकारियों के खिलाफ लिख रहे थे अव्यवस्थाओं को लेकर के, और उसके बाद जब सुरक्षा उनकी कम की गई तो अमित शाह के आशीर्वाद से ही उनको जेड प्लस की सुरक्षा दी गई। तो ये थोड़े से कयास तभी लगाए जा रहे थे कि राष्ट्रीय नेतृत्व तो उन पर पूरा आशीर्वाद बनाए रखे हुए है और एक ऐसे चेहरे के रूप में पेश करना चाहता है जहां की अमित